हेलो एवरीवन। सो फाइनली वो डेट आ गई है, वो दिन आ गया है। जैसे कि हमको अभी तक पता चल पाया है कि कल शनिवार को रिजल्ट्स बाहर हो जाएंगे, राइट? रिजल्ट्स विल बी आउट टुमारो एज पर द ट्वीट बाय द यूजीसी चेयरपर्सन। सो कल तो बहुत सारे वीडियोस आएंगे, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आएंगी, कुछ सेलिब्रेशंस होगा, मे बी कुछ जगह कुछ निराशा होगी। तो कल हमें इन सब का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आज आई हूँ आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने के लिए, एक छोटी सी कहानी जिसके कारण से वो कहानी इतनी सेल्फ एविडेंट रहेगी कि जो मैं मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो आप तक पहुंच जाएगा। और इस कहानी का मोटिव यही है कि कल रिजल्ट है, कल कुछ भी हो, राइट? मैं आशा करती हूँ हम सब लो की वी आर प्रेइंग दैट आप सबको सक्सेस मिले, बिकॉज आप सब ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छा रिजल्ट रहे। बट खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर किसी का एक नंबर से, कुछ नंबर से अगर नहीं भी क्वालिफाई हो पाता है, तो हमको निराश नहीं होना है, हमको आशा नहीं खोनी है। सो एक कहानी है। एक बार क्या होता है, एक चाइना के एक गांव में, एक छोटे से प्रांत में, एक व्यक्ति के पास एक घोड़ा होता है। वो घोड़ा बहुत तेज गति से भागता है, मतलब कुछ स्पेशल होता है उस घोड़े में। और हाँ जी, ये कहानी मैंने भी अपने किसी गुरु से ही सुनी थी। सो वो घोड़ा बहुत तेज भागता है, कुछ स्पेशल घोड़ा होता है जिसकी काफी चर्चे होते हैं पूरे देश में। तो उस व्यक्ति के उस घोड़े को, वहां के राजा को जब पता चलता है कि ऐसा ऐसा घोड़ा है, तो उस व्यक्ति को बुलाया जाता है राजा के द्वारा, और वो बोलते हैं कि ये घोड़ा हमको दे दो, और तुमको जितने पैसे चाहिए वो पैसे हमसे ले लो, हम तुमको पैसे देंगे। तो वो व्यक्ति बोलता है, नहीं माफ करिए, घोड़ा तो आपको नहीं मिलेगा और हमें पैसे का कोई लालच नहीं है, आपको जितने पैसे देने हैं आप रहने दीजिए, घोड़ा तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। तो वो आ जाता है वापस। तो ये सुन के, अब इतना बड़ा, जब इतना बड़ा अमाउंट कोई एक नॉर्मल सा व्यक्ति ठुकराता है, तो गांव वालों को लगता है ये क्या बात हुई, ये इतना अच्छा मौका था, आराम से ये अपना घोड़ा बेचता और उसको पैसे मिल जाते, उससे वो क्या क्या नहीं कर सकता था। फिर लोग आ जाते हैं उसको सजेशन देने, है ना, जैसे मैंने आपको बोला है हमारे देश में कहीं पे भी सलाह देने वाले बहुत होते हैं, मुफ्त की वो भी। आ जाते हैं लोग बोलने कि क्यों नहीं दिया तुमने अपना घोड़ा। वो व्यक्ति उनसे बोलता है, ठीक है भाई, नहीं देना था, कुछ कारण था, आप लोग से किसी ने कुछ पूछा क्या कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लोग चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, उसका वो घोड़ा भाग जाता है, कहीं चला जाता है, वो वापस नहीं आता। अब फिर से गांव वालों को मौका मिल गया कि जिस चीज के लिए बोल रहे थे कि अगर कल तुमने वो घोड़ा बेच दिया होता तो तुम्हारे पास, चलो घोड़ा तो नहीं होता पर पैसे तो होते, आज तो ना पैसे है ना घोड़ा है। फिर से लोग आते हैं कि अरे बड़ा मजा आया, हम तो बोल रहे थे तुमसे कि जाओ घोड़ा दे दो, पैसे मिल जाते, तुमने हमारी बात मानी नहीं, तुम तो अपना अलग ही मॉरल हाई ग्राउंड पे थे, क्यों नहीं बेचा तुमने। तो वो व्यक्ति बोलता है फिर से, अरे फिर तुम लोग आ गए, हमने आपसे जब सजेशन मांगा नहीं है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, अब घोड़ा गया तो गया, क्या कर सकते हैं, खत्म बात हो जाती है। अब कुछ दिन बाद क्या होता है, वो घोड़ा वापस लौट के आता है, बट अकेला नहीं आता, वो अपने साथ 9-10 घोड़े और ले आता है। सो पूरा एक प्रकार का घोड़े के साथ और सारे घोड़े आते हैं, और फिर वो वापस घोड़ा उस व्यक्ति के पास आ जाता है। तो गांव के लोग फिर आ जाते हैं, अरे हाँ अब हमको समझ में आया, तुम तभी हम लोग को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि तुम्हारा घोड़ा, तुमको पता था जाएगा और वापस आएगा और तुम्हें और ज्यादा शायद मुनाफा दे जाएगा, तो हो सकता है अब तुम ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो वो व्यक्ति फिर बोलता है, अरे ना दुख, जब मुझे घाटा हुआ था तब भी मैं आपकी सलाह नहीं मांग रहा था, अब शायद मुनाफा हो सकता है तो भी मैंने आपकी सलाह नहीं मांगी, आप लोग जाइए, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद उस गाँव में युद्ध, वॉर डिक्लेयर हो जाता है। तो वॉर में आपको पता है ऐसी जगह से क्या होता है, हर घर से, गांव से कंपलसरी, ऐसा राजा का फरमान था कि कंपलसरी जो बच्चे हैं उनको आना पड़ेगा वॉर में पार्टिसिपेट करने। तो बीच में क्या होता है कि जब उस व्यक्ति का जो बेटा होता है उन घोड़ों को ट्रेन कर रहा होता है तो वो गिर जाता है, एक घोड़े का ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो गिर जाता है, उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। अब लोग तो फिर आएंगे, अरे क्या हो गया, पैर टूट गए, है ना, तुम मतलब इतने सारे घोड़ों को भी नहीं माल पाए। पर मीनवाइल ये जब वॉर डिक्लेयर होता है और जब ये फरमान हो जाता है कि हर घर से एक बच्चे को आना है और वॉर में पार्टिसिपेट करना है, जो कि आपको पता है वॉर में अगर गए तो किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं रहती, लाइफ की गारंटी नहीं रहती, तब उस व्यक्ति का जो बेटा है वो जाने से बच जाता है, नहीं उसको बुलाते क्योंकि वो फिजिकली हैंडीकैप रहता है, एटलीस्ट वो अपने घर पे रहता है और उसको जो कंपल्सरी फरमान था उसको पालन नहीं करना पड़ता। तो कुल मिला के इस कहानी से हमने क्या देखा कि
अल्टीमेटली उस व्यक्ति ने जो किया, उसने अपने डिसीजंस लिए, उसको उस टाइम पे जो सही लगा उसने किया, ही वॉज लायबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेज, उसने अपने डिसीजंस खुद लिए, और वो ना लोगों से उसने सलाह मांगी, ना लोगों के आने पे उसने दुख किया, ना कुछ होने पे उसने बहुत खुशी करी, पर अल्टीमेटली जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, इट वॉज फॉर द ग्रेटर गुड, है ना, क्योंकि उसका बेटा कम से कम उसके साथ तो हमेशा रहेगा, ये उसको एक सुकून मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो होता है, आप भी समझ गए होंगे इस कहानी का जो एक मॉरल है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड, भली हमें उस टाइम उसमें बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ लग सकती है, हमें लग सकता है ये हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है, हमने तो ऐसा सोचा नहीं था जैसे कि इस व्यक्ति के साथ हुआ होगा या गांव वालों को लगा, बट अल्टीमेटली वही हुआ। और दूसरी चीज जो हमने इसमें सीखी कि लोग जो हैं वो हमेशा आएंगे, लोग क्रिटिसाइज करने भी आएंगे, शायद लोग तारीफ करने भी आ जाएं, लोग कभी आपको बहुत चढ़ा देंगे, लोग कभी आपको इतना गिरा देंगे कि आपको लगेगा आप किसी भी काम के नहीं हो। हमें दोनों ही सिचुएशन को अपने आप पे हावी नहीं होने देना है। बहुत तारीफ करें तो ठीक है, तारीफ कर रहे हो कोई बात नहीं, हमें यहां नहीं चढ़ाएंगे, और अगर बहुत बुराई करें या बहुत आपको डीमोटिवेट करें उसको तो कतई हमको यहां पे नहीं चढ़ाना है, क्योंकि आज सिचुएशन है कल सिचुएशन बदलेगी। आज ऐसी सिचुएशन है कि हो सकता है चीजें हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, है ना, सो हो सकता है कल को चीजें बेटर हो जाएंगी। सो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड, और चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो हमारी छोटी सी छोटी चीज हो, हमें ऐसा लगता है ना कि बोलते हैं कि इफ सम थिंग्स आर गोइंग एज पर यू बी हैप्पी, बट इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज पर यू, दे आर गोइंग अगेंस्ट यू, बी इवन हैप्पियर, बिकॉज उसमें शायद भगवान की मर्जी होती है, राइट। सो ऐसा नहीं है कि आई एम डीमोटिवेटिंग यू, आई एम जस्ट हेयर स्टैंडिंग राइट besides you, आप लोग यहां हो, मैं आपके साथ अभी भी खड़ी हूं, रिजल्ट अच्छा आएगा मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी, आप सबने बहुत मेहनत करी है, सबको सक्सेस मिलेगा। बट अगर थोड़ा कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है तो हमको निराश नहीं होना है, हमको ये सोचना है कि मे बी दिस वॉज नॉट जस्ट द टाइम, वील कम बैक अगेन स्ट्रॉन्गर एंड वाइजर, एंड इस टाइम हम बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ेंगे, और इस बार हम लोग तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमें किसी का कुछ सुनना नहीं है, हमें अपना काम करना है, और हमें जो अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है, we want to be professors, आप सबको जो आपने अपने बारे में सोचा है हमको वो पाना है, और आप उस चीज को किसी भी हाल में पाके रहोगे, ठीक है। सो अब कल जो होगा वो होगा, जैसे कि अभी तक है कि सैटरडे को रिजल्ट आएगा, आप चिंता मत करिएगा, मैं बहुत उतना ज्यादा वीडियोस में नहीं आ रही हूँ, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैम इज नॉट विद अस, ऑफ कोर्स वी ऑल आर, द एंटायर टीम इज विथ यू, और हम भी आपके साथ हैं, अभी तक एग्जाम के पहले थे, एग्जाम के समय थे, एनालिसिस के टाइम थे, रिजल्ट के पहले भी हैं, रिजल्ट के बाद भी रहेंगे, राइट, because we ultimately are a family, हम सब एक परिवार हैं और परिवार हमेशा साथ रहता है, right? So चिंता मत करिएगा, जितना भी अगर थोड़ा सा restlessness हो रही है, anxiety हो रही है, धक धक हो रेला है, तो वो सब लाजमी है, होता ही है, paper के पास, exams के results के पास, ये human emotions हैं, but हमको इसको overcome करके हमको आगे बढ़ना है, and I'm sure we all will come out stronger and we'll shine even brighter in the coming days, right? So thank you so much, ये थोड़ा सा एक motivation था आपके लिए, हो सकता है आपको शब्दों से अच्छा लगा होगा, हो सकता है किसी को नहीं अच्छा लगा होगा, बट मेरा इंटेंशन यही था कि हंसते रहिए, खुश रहिए, किसी भी चीज को, एक दिन को, एक एग्जाम को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ बड़ा लिखा हुआ है, है ना, और अगर है तो वो आपको मिलेगा बहुत जल्दी। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज तोशिबा शुक्ला एंड आई एम योर पीपल वन फैकल्टी एट बायजूस एग्जाम प्रेप, एंड आई एम देयर विथ यू, आई विल बी देयर विथ यू, सो रिलैक्स करिएगा, सी यू सून, बाय बाय।